नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को दी जा रही जानकारियां इस वक्त हमारे सहयोगी पहुंचे हैं खाद विभाग अधिकारी संजीव शर्मा से खास बातचीत करने। आपको बता दी, खाद विभाग अधिकारी समर सहारा द्वारा लगातार हमसे बातचीत की, किसानों को लेकर हम जानकारी लेने पहुंचे। संजीव शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सरसों काफी अच्छी सावत है। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बार कृषि विभाग की पूरी टीम मिलकर संजीव शर्मा द्वारा लगातार किसानों के एवं जानकारी देकर किसान भाइयों के लिए फायदे की दवाइयां दी, जिसमें आज तहसील साढौरा आसपास के कई क्षेत्रों में फसल काफी सही है। आज का समर्थ सहारा आपको ले चलता है अपडेट दिखाने के लिए गुना जिला। हम आप बात करेंगे संजीव शर्मा जी से कि आप एग्रीकल्चर विभाग से हो, उसमें लगातार आपने जो प्रयास किया कई गांव में आप गए हैं फसलों के लिए, आप किसानों के हित में बताइए, छोड़िए हमें जानकारी। मैं संजीव शर्मा, अनुभागी कृषि अधिकारी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस जिले में ये गुना चंबल और मालवा का द्वार है, यहाँ पर फसलों के लिए बहुत असीम संभावना है। यहाँ का किसान अगर मेहनत करे ढंग से, वैसे कर ही रहा है, तो वो आगे चल के प्रगति की ओर जा सकता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम आपको बताते हैं कि इस जिले में गेहूं का रकबा हमने जो लक्ष्य रखा था 197,000 हेक्टेयर का, उसकी पूर्ति हुई 177,000 हेक्टेयर में। चना का रकबा था हमारा 75,000 हेक्टेयर का, उसकी पूर्ति हुई 52,000 हेक्टेयर में। मसूर का रकबा था हमने लक्ष्य रखा था 2,500 हेक्टेयर का, उसकी पूर्ति हुई 2,006 हेक्टेयर में। अब इस विशेष महत्वपूर्ण अपने आए है कि इस क्षेत्र में सरसों बहुत कम होती थी, क्योंकि सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। लोग यहाँ पर सोयाबीन का तेल खाते हैं। सोयाबीन का तेल हृदय रोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए हमने यहाँ जो रकबा बढ़ाया सरसों का, वो 36,000 का लक्ष्य रखा था, वो 73,000 हेक्टेयर में उसकी पूर्ति हुई। चूँकि सरसों एक ऐसी फसल है तिलहनी, पहले हमारे किसान भाइयों की 3,300 रुपये, 3,500 रुपये, 2,500 रुपये के भाव मिलते थे। पिछली बार मंडी में इसका भाव 8,000-9,000 रुपये कुंटल हुआ, तो हमारे किसान भाइयों को खेती का लाभ का धंधा बनेगा। सरसों लगभग एक बीघा में 6 कुंटल एवरेज उसका निकलता है, अगर वो 9,000 या 8,000 भी जाती है तो 8×48,000। कोई लागत नहीं है विशेष, एक पानी लगता है, कोई दवाई नहीं छिड़कनी पड़ती किसी भी प्रकार की, और फसलों में कोई रोग नहीं लगता है इसमें विशेष रूप से, मतलब नो प्रॉफिट, मतलब कोई किसी प्रकार की हानि नहीं। आपने अशोकनगर जिले में आप अपन आएंगे गुना जिले में आपने कई जगह के, मतलब जो किसानों की, आपने कई गांव में तक पहुंचे, आप उनको समस्या का आपको लिए क्या लगा? आपको विशेष रूप से कोई समस्या नहीं लगी, किसानों को यहाँ बीज की समस्या आ रही है, तो हमने उनको समय समय पर नई नई वेराइटियाँ सरसों की बीज की उन्नतशील प्रजातियाँ उनको उपलब्ध कराई, चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी की हो, चाहे वो NSC की हो, चाहे वो बीज विकास निगम फार्म की हो, चाहे वो श्री सर्टिफिकेशन एजेंसी की हो, कई बीज उत्पादक समितियाँ भी काम कर रही हैं, तो उनसे भी हमने किसान। शर्मा जी, हमें एक थोड़ी जानकारी बताइए, अभी बीच में समय में थोड़ा मैंने देखा है और कई मीडिया सोशल मीडिया पर चर्चा आई है कि खाद की चर्चा में क्या करा है योगदान? खाद इस बार DAP की थोड़ी सी किल्लत आई, क्योंकि सरकार ने कोरोना के कारण जिन देशों में खाद का DAP का प्रोडक्शन होता है उन देशों से, मतलब हमारे यहाँ आने में दिक्कत आ रही थी, सब्सिडी का कुछ मैटर था सरकार का, ये बड़ा मैटर है, फिर भी हमारी सरकार ने, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज सिंधिया जी ने और यहाँ के माननीय मंत्री श्री आदरणीय ज्योतिराज वो सिसोदिया जी ने, जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भरसक प्रयास किया, और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने, हमारे माननीय CM जी ने सब जगह कोऑर्डिनेट करके केंद्र में और यहाँ खाद लाने का भरसक प्रयास किया, तो DAP की आपूर्ति बराबर निर्बाध चलती रही और हमारे किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहा। चूँकि थोड़ा सा लेट हुआ, लेट होने का कारण यह है कि रैक आने में टाइम लगता है या रैक पॉइंट भी कम मिल पाता है, लेकिन पूरा हमने किसान की बोली समय पर कराई। दूसरी बात, यूरिया की दिक्कत आई, तो यूरिया यहाँ पर अपने आए हैं बैंक फैक्ट्री है, तो हमारे कलेक्टर महोदय साहब ने पूरा प्रयास किया, हमारे DDA उप संचालक कृषि उपाध्याय जी ने भी प्रयास किया, मैं भी अनुभागी कृषि अधिकारी, मेरे द्वारा भी प्रयास किया गया,
हमने यहाँ पर एक नैनो तरल यूरिया चलाया, तो नैनो तरल यूरिया से किसानों को ये लाभ है कि लाने ले जाने में किल्लत मिटेगी और उसका स्प्रे करना पड़ता है, किसान ट्रांसपोर्टर से बच जाएगा, उसको मतलब ट्राली ले जानी पड़ेगी, 5-7 बोतल अपने जरा में डाली और मोटरसाइकिल सीधा निकल गया और अपना खेत में जाकर के स्प्रे करे, समय बचेगा, पैसे की बचत होगी, किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लंबी लंबी डारों में नहीं लगना पड़ेगा। आगे चल के वही यूरिया नैरो तरल यूरिया ही चलेगा। इसका मैंने बहुत सारा किसान भाइयों को अपना कई मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर डले, मैंने काफ़ी समझाया, कृषक जगत ने भी इसको निकाला और कई प्लेटफॉर्म पर कई टी चैनलों पर भी चला, आप मेरे देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं किसानों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुना जिले का किसान प्रगति के पथ पर बढ़े, खेती को लाभ का धंधा बनाए, क्योंकि पिछली फसल पट पिट चुकी है।